वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज फिर पहुंच गए हैं मार्केट में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट शॉपिंग वीडियो में तो मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे थे कहा था कि सरोजनी में काफ़ी सही स्टफ़ मिलता है, तो एक दिन हम आपको वहां का मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर करवाएंगे। तो हम पहुंच गए हैं आज वहां का एक्सप्लोर करवाने। तो ये हम सरोजनी मार्केट जाने के लिए आप मेट्रो से जा सकते हैं। मेट्रो रूट में आप रजौरी गार्डन उतरेंगे, वहाँ से पिंक लाइन लेंगे, शिव विहार की तरफ जो जाती है उसमें बैठेंगे, सरोजनी नगर स्टेशन आएगा, गेट नंबर 1 से एग्जिट करेंगे, बाहर निकलते ही आपको सरोजनी मार्केट दिख जाएगा। जैसे ही अंदर घुसोगे वैसे ही सेल स्टार्ट है, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो हमने यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज्ड बैंगल्स होती है आजकल चल रही है ना ट्रेंडिंग में, वो तो बहुत अच्छी लगती है। तो हमने यहाँ पे थोड़ी बैंगल्स देखी, फिर हमने ये लिया, हमारे आउटफिट से मैच करता। अब एक को पसंद आ गया तो ऑब्वियसली दोनों को पसंद आना था, या तो हमेशा का ये जो चीज़ एक को पसंद आएगी दूसरे वाले को ज़रूर पसंद आएगी। तो हम दोनों ने अपने लिए सेम वो ऑक्सीडाइज बैंगल ली। फिर हम पहुँच गए आगे, वह हम आगे देखते जा रहे हैं, सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे। बच्चों के कपड़े हैं देखो, मम्मियों की टाइप की भी ज्वेलरी थी काफ़ी सही रेट्स में, मतलब जो दूसरे मार्केट्स में रेट है ना उससे तो काफ़ी सही मिल जाएगा। आपको सरोजनी में बस एक प्रॉब्लम है कि आपको वहाँ पे जो भी चीज़ लो ना अच्छे से चेक करके लो, क्योंकि घर पे आने के बाद उसकी कोई गारंटी ना आप एक्सचेंज करवा सकते ना रिटर्न करवा सकते ना आपको मिलेगा वो शॉप, बिकॉज इतनी भीड़ है ना इस मार्केट में कि आप खो जाओगे। मेरा मतलब खोओगे तो नहीं, लेकिन आपको जो अपना स्टफ़ ढूंढना होगा ना उसे ढूंढने में टाइम लगता है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक शॉप है तो आप उसको शॉप नंबर ज़रूर याद रखें कि आपको वहीं से चीज़ लेनी है, तो अगली बार नेक्स्ट टाइम आप विज़िट कर रहे हैं तो आपको ढूंढने में ईजी हो। और किसी को पता है कि कोई शॉप की यहाँ पे ये इस चीज़ की स्पेसिफिक है और अच्छा मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में बता दें, दूसरे लोगों की हेल्प हो जाएगी। बाकी सब कुछ है वहाँ पे, इयररिंग्स, कपड़े, शूज़, जूती, ट्रेडिशनल वियर, वेस्टर्न वियर, पर्सेस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। एंड मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ें लगी जो वहाँ पे ज्वेलरी थी ना उनकी, इतनी वेराइटीज थी, इतने प्यारे प्यारे नेकलेसेस थे, प्यारे इयररिंग्स थे, ऑक्सीडाइज्ड में थे, पार्टी वियर थे, जो पर्ल वाले चल रहे हैं आजकल, मांग टीका, इयररिंग्स, वो सब भी थे। देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे थे। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपको संभल के रहना होगा वहाँ पे, थोड़ा लाइक चोरी वगैरह भी कर लेते हैं लोग। और एंड वन मोर थिंग, जो छोटे छोटे सेलर्स घूमते रहते हैं बैग में अपना सामान लेके कि हमसे ये ले लो ये ले लो, प्लीज़ डोंट बाई एनी थिंग फ्रॉम देम, क्योंकि आप घर पे आके देखो कि वो चीज़ें बिल्कुल बेकार निकलेंगी, वहाँ पे आपको ठीक लगेगा, घर तक आके तो सब ख़राब हो जाते हैं। देखिए ड्रेसेस थी ना, ये भी ठीक थी, 250 रेट में थी, एंड हर जगह 100, 200, 300, 250, 150 ऐसे सेल लगी हुई है। ये वाइट शर्ट्स की सेल, आप उनको लो डाई भी करवा सकते हो, बट ना हर चीज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो क्वालिटी देख के चीज़ लेना। कुछ चीज़ें तो हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और रेट अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं ये आपको वो मतलब चीप रेट्स में देंगे लेकिन क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं होगी। आप वहाँ से ले लोगे लेकिन घर पे आके देखोगे वही सेम चीज़ ख़राब लगेगी, आपको जल्दी डैमेज हो जाएगी, ऐसा होता है, मैंने बहुत सुना है एंड हुआ भी है लोगों के साथ, नो डाउट। हम आगे जा रहे हैं, हमें ढूंढना था कि आप घर में एक शादी है तो हमें अपने लहंगे की मैचिंग की ज्वेलरीज और बाकी आउटफिट्स की मैचिंग ज्वेलरीज लेनी थी। हम पूरे मार्केट में ज्वेलरीज ढूंढ रहे, तो बहुत सारी शॉप्स मिली इयररिंग्स की, तो कितनी प्यारी प्यारी इयररिंग्स की शॉप्स थी। बहुत बड़ी मुश्किल से पूरे 2 घंटे लग गए अपनी टाइप की ज्वेलरी मैचिंग ढूंढने में, बिकॉज हमें चाहिए था ग्रे एंड पिंक कलर में, कलर के टाइप में नेकलेस और इयररिंग्स, तो वो ढूंढने में पूरा मार्केट लग गया, हम थक गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिली। फिर वेस्टर्न आउटफिट्स भी काफ़ी है वहाँ पर, स्कर्ट्स बहुत प्यारी प्यारी थी, जैसे लाइक आजकल इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे गर्ल्स पहनती हैं स्कर्ट्स जो ट्रेंडिंग में चल रही है, क्यूट आउटफिट इन स्पोर्ट टाइप में बहुत मिल जाएंगी। यार सबसे बेस्ट तो ज्वेलरीज थी वहाँ की, इतने प्यारे नेकलेसेस, आप किसी भी आउटफिट पे मैच करो कोई ना कोई ज़रूर मैच हो जाएगा, इतने अच्छे अच्छे थे ना है नहीं सकते। इनका रेट भी इतना हाई नहीं था, लाइक अगर आप ऑनलाइन भी खरीदोगे ना तो आपको रेट ऑनलाइन में भी महंगा दिखेगा इनसे, एज़ कम्पेयर टू आप किसी से भी देख लो, मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आपको 250-300 ऐसे ही मिलेगी ज्वेलरी, लेकिन यहाँ पे 100-150 इयररिंग्स, तो लाइक 100 के 3 पेयर्स, 30 का 1, 50 का 1 ऐसे मिल रहे थे। साड़ीज थी जो लड़कियाँ स्कूल जाती हैं उनके लिए बढ़िया साड़ी है कॉटन में, वो खरीद सकते हैं डेली वियर टाइप में, या फिर कोई आंटीज़ वगैरह को घर में पहनी हो तो वो भी बाय कर सकते हैं, अफोर्डेबल है। एंड जीन्सेस भी काफ़ी जगह पे तो ब्रांडेड टाइप में ही थी, जैसे आप ऑनलाइन मंगवाते हो उस टाइप में भी, या फिर बाहर किसी शॉप से ख़रीदते हो वैसे ही मिल जाएंगी। होम डेकोर आइटम भी था यहाँ पे, बुद्धा देखो कितने अच्छे अच्छे वॉल हैंगिंग्स थे, झूमर थे, और हमने वो भी देखे थे लाइक
आजकल वो प्यारी प्यारी बोटल्स नहीं होती, कांच की होती है, ग्लासेस होते हैं फैंसी बिल्कुल, उस टाइप की भी बहुत थी क्यूट क्यूट सी। आप किसी को गिफ्ट करना चाहो तो वो ले सकते हो, कप सेट्स, ट्रेज, प्लेट्स, इतनी प्यारी प्यारी, मैट्स, ब्लैंकेट्स और कोड सेट तो बहुत ही थे। और अब विंटर आ गई है तो शॉल कलेक्शन और वो थे गर्म वाले कोड सेट्स, जैकेट्स, गर्म पजामा, सब कुछ हो रखा है, विंटर कलेक्शन पूरा आ गया है। तो आप बस घूमते घूमते थक जाओगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। बस यहाँ पे आओ ना तो अच्छा खासा अमाउंट लेके आओ, आप खूब सारी चीज़ें ले लोगे। हाँ कपड़े नहीं लोगे तो फिर भी अफोर्डेबल चीज़ें काफ़ी है, लाइक पर्स ले लो, जूती ले लो, चप्पल्स ले लो, हील्स ले लो, घर का डेकोरेटिव आइटम्स ले लो, ये सब तो खरीद ही सकते हैं, इनके इसमें तो बढ़िया ही है, उनमें कुछ दिक्कत नहीं है। वो थोड़ी ख़राब होने वाली चीज़ है, ख़राब तो लाइक कपड़े तो फट वट जाएँ, थोड़ा टाइम बाद डैमेज हो जाए, ये डैमेज होने वाली चीज़ें नहीं होती, डेकोरेटिव आइटम ठीक निकलता है। बाकी आपकी इच्छा, यहाँ पे सब मिलता है, सॉक्स, कैप्स, स्टाइलिश रिंग्स, और वो जो डायमंड टाइप में ज्वेलरीज नहीं होती उनकी भी बहुत डिमांड है आजकल मार्केट में, वो भी थे यहाँ पे अफोर्डेबल। देखो ईयर रिंग्स फाइनली हमें थोड़ा पिंक कलर में हमारे ईयर रिंग्स मिल गए थे एक शॉप में अंदर जाने के बाद। उनके पास जिस शॉप में हम अंदर गए थे उनके पास हेयर एक्सेसरीज बहुत ही मस्त थी। फिर तो चलो ठीक है, फिर अब इतना ही बहुत आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना हम नेक्स्ट मार्केट कौन सा एक्सप्लोर करवाएं आपको। ओके बाय बाय, थैंक यू।